नमस्कार साथियों साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उस प्रतियोगी परीक्षा का जो आधार रहता है चयन का, वो यही रहता है कि हम स्टडी मटेरियल क्या पढ़ते हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और रीट सामाजिक विज्ञान जो विषय है, रीट सामाजिक विज्ञान लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण सामग्री बताऊंगा कि आप क्या क्या पढ़ें ताकि आपका चयन हो, और चयन होने के साथ साथ आपका चयन है वो सर्वोच्च रैंक के साथ हो। मित्रों, इससे पहले मैं आपको परिचय दे दूं, आपको बराबर मेरा परिचय दिख भी रहा है कि मैं प्रारंभ में अध्यापक पद पर चयनित हुआ 2008 में। 2011 में मैं वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान बना। 2015 में मैं व्याख्याता इतिहास, और 2018 में से लेकर आज तक वर्तमान तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के पद पर कार्यरत हूं। और वर्ष 2007 से लेकर आज तक यानी 2020 तक लगभग 13 वर्ष मुझे प्रतियोगी परीक्षा की अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन करने का मौका मिला। और इसी मार्गदर्शन के दौरान प्रॉपर रूप से जो मार्गदर्शन मैंने प्रारंभ किया वो 2014 में किया, और 2014 से लेकर और 2020 के बीच में मेरे मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष महसूस होता है, बड़ा मुझे मैं प्रफुल्लित होता हूं जब मैं इस पे बात करता हूं कि मेरे 5 विद्यार्थियों ने राजस्थान टॉप किया। टॉप 10 में 10 स्थानों में टॉप 10 में अब तक 2014 से लेकर 2020 तक अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में, जिसमें व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के विद्यार्थी रहे हैं, ये अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के विद्यार्थी टॉप 10 में 11 आए हैं। ये आपको बराबर तस्वीरें दिख रही हैं, ये मेरे विद्यार्थी रहे हैं, और इनमें 5 फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी रहे हैं। मित्रों, हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, या मेरे विद्यार्थी जो लगातार टॉपर रह रहे हैं, क्यों टॉपर रह रहे हैं, उन्हें किस स्टडी मटेरियल का मैं अध्ययन करवाता हूं, उन्हीं की बातचीत आपने आज इस वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो, जैसा मैंने बता दिया कि मुख्यतः फोकस रीट पे रहेगा, पर आने वाले टाइम में मेरे अलग अलग वीडियो व्याख्याता इतिहास, नेट जेआरएफ इतिहास, असिस्टेंट प्रोफेसर आरएएस के लिए रणनीति, और रणनीति के साथ कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े, हमारा स्टडी मटेरियल क्या रहे, उन पे भी रहेंगे। और अगर मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पूर्णतः उसको फॉलो करते हैं तो आप भी निश्चित ही टॉपर बनने वाले हैं, अगर पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं तो। आज के टॉपिक पर हम बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान अथवा SOT2 से SST कह देते हैं, वैसे सोशल साइंस होती है, उसके बारे में बात करें कि उसकी कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें। तो आप अगर रीट के अभ्यर्थी हैं तो आपको पहले से पता है कि रीट की जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, और इन 150 क्वेश्चन में से 30 साइकोलॉजी के आते हैं, 30 30 दो भाषाओं के आते हैं जो हमें चुननी पड़ती है, और 60 हमारे सब्जेक्ट के आते हैं SST के, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 अंक के आते हैं, और इसमें नकारात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। हमारे यहाँ रीट अभी 2 सितंबर को प्रस्तावित है, तो मैं ऐसा स्टडी मटेरियल आपको बताने वाला हूं जो आप अब से लेकर यानी लगभग रीट आने तक यानी लगभग 3 माह में बहुत ही अच्छी तरह से आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे, और आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण पोर्शन रहता है क्योंकि इसमें विद्यार्थी बहुत आगे पीछे होते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीधी आसान भाषा में हम इसको मनोविज्ञान कह देते हैं। इसके लिए अगर आप बुक्स पढ़ना चाहें तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा
कि आप पढ़े कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की पुस्तकें, और उन मनोविज्ञान की पुस्तकों में केवल वही टॉपिक पढ़े जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद में इसके अलावा आप एक गाइड ले, और गाइड में मैं मित्रों आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, वो सुझाव देना चाहूंगा सिग्वाल पब्लिकेशन है, सिग्वाल पब्लिकेशन की वंदना जोशी की गाइड है। उस गाइड को मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस गाइड में प्रत्येक टॉपिक के बाद में 300, 400, 500 यहां तक कि कई टॉपिक में 800 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हम टॉपिक पढ़ने के साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स की स्टडी भी अच्छे से उसमें कर पाते हैं। तो कक्षा 11-12 की पुस्तकें और सिकवाल की मनोविज्ञान की पुस्तक पढ़ते हो तो आपका 30 अंक का जो ये पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हम भाषा की बात करें तो भाषा में कोई भी दो चुननी होती है मित्रों, और इन दो भाषाओं बहुत सी भाषाएं होती है, मोस्टली जो राजस्थान में 4 भाषाएं चलती हैं उनकी बुक मैं आपको बताऊंगा। आप जो भी भाषा चुनने चाहें उसी अकॉर्डिंग अपनी पुस्तकों का भी चयन कर लें। सबसे पहले सर्वाधिक विद्यार्थी लेते हैं वो लेते हैं हिंदी नंबर 1 पर, सबसे ज्यादा हिंदी जो भाषा है वो विद्यार्थियों के द्वारा ली जाती है। तो हिंदी भाषा में मैं आपको सुझाव दूंगा कि कक्षा 9 से 12 की व्याकरण लगती है अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, कक्षा 9 से 12 की व्याकरण उसको अच्छे से पढ़े क्योंकि मित्रों वहां से क्वेश्चन एजीटी उठाए जाते हैं। दूसरी एक गाइड मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो गाइड है मिश्रा पब्लिकेशन की, और मिश्रा पब्लिकेशन की गाइड जिसके लेखक मनोज जी मिश्रा है वो आप गाइड उसे लें क्योंकि बहुत ही अच्छी है। और मनोज कुमार जी मिश्रा जो स्वयं एक कह की प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लंबे समय से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो जो शिक्षण कार्य करवाता है उसे अनुभव होता है कि कौन सा विद्यार्थी किस तरह से सफल होता है, क्या क्या उसमें अच्छाइयां होती है, कि कौन से मैटर में क्या क्या चीजें हमें रखनी है, कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन सी चीजें अपने को हटानी है, वो सारा पढ़ाने वाले को अनुभव होता है। इसलिए मनोज कुमार मिश्रा जी की वो गाइड आप जरूर लें, कक्षा 9 से 12 की व्याकरण मनोज कुमार जी मिश्रा की हिंदी की गाइड, ये हिंदी भाषा के लिए। सेकेंड हम बात करें तो इंग्लिश बहुत से विद्यार्थी लेते हैं मित्रों, पर इंग्लिश में ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश में आप एक तो देखिए कि कक्षा 9 से 12 की कोई भी पासबुक लेके वहां से आप उनके जो ग्रामर के पोर्शन है उनका अध्ययन कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। आपको जो गाइड मैं सुझाव दे रहा हूं इंग्लिश के लिए वो है सुगम अथवा चेवन प्रकाशन की है, बी के रस्तोगी उनके लेखक हैं, उस पुस्तक का आप अध्ययन करें। बी के रस्तोगी महोदय काफी उम्र है उनकी अभी फिलहाल, वो पुस्तकें लिख रहे हैं, लंबा उनके पास अनुभव है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मैटर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना। तो बी के रस्तोगी सुगम अथवा चयन प्रकाशन की जो इंग्लिश की बुक है वो आप इंग्लिश के लिए अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में हम संस्कृत की बात करें तो मित्रों संस्कृत में मैं आपको 2 गाइड का सुझाव देना चाहूंगा। अब ये 2 गाइड हैं, एक तो मिश्रा पब्लिकेशन की मनोज कुमार जी मिश्रा की, क्योंकि मनोज कुमार जी मिश्रा हिंदी और संस्कृत के विद्वान हैं, दोनों भाषाओं पर उनकी समान पकड़ है और लगातार अभ्यर्थियों को वो कर रहे हैं मार्गदर्शन। तो वो मनोज कुमार जी मिश्रा की मिश्रा पब्लिकेशन की संस्कृत की गाइड अथवा सुगम अथवा चयन प्रकाशन की डॉक्टर लोकेश शर्मा आरएएस अधिकारी है, वो स्वयं भी संस्कृत भाषी विद्यार्थियों को लंबे समय से अध्यापन कार्य करवा रहे हैं तो वो ले। यहां ध्यान रखना है मित्रों मैंने 2 गाइडों के नाम लिए, एक मनोज कुमार जी मिश्रा दूसरा डॉक्टर लोकेश जी शर्मा, इन दोनों में से कोई भी एक गाइड आपको लेनी है, दोनों नहीं लेनी क्योंकि दोनों ही अच्छी है, कोई भी आप एक लेके और अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मित्रों तो अगली बात हमारी आती है वो हमारी बात आती है वो आती है पंजाबी पर। पंजाबी है ये हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र है, यहां पंजाबी भाषी लोग हैं और बहुत से विद्यार्थी पंजाबी भाषा लेते हैं। तो पंजाबी भाषा के लिए 1 एंड ओनली 1 ही गाइड है, पर यहां एक चीज से मैं आगाह करूंगा मित्रों
आपको कि गाइड जरूर पढ़े, क्योंकि वो जितनी गाइड उपलब्ध है उनमें बेस्ट है। धीरज गाइड राजस्थान पुस्तक सदन श्री गंगानगर प्रकाशक है उसका, और धीरज गाइड है वो आप ले सकते हैं, पर उसमें भी पूर्णता नहीं है। उसके साथ साथ में आपको मित्रों क्या लेना है, आपको कोई भी कोचिंग संस्थान के नोट्स लेने हैं अगर आपको उपलब्ध है तो। एक यहां हरविंदर सिंह जी को साया अनुपम मंथन एकेडमी पीलीभीत में उनके नोट्स है, उनमें से पंजाबी में बहुत ज्यादा मैटर आता है। ये किसी भी संस्था का या किसी भी सर का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो पंजाबी भाषा है ये गाइड में पूर्णता नहीं है मित्रों, तो वो अगर आपको उपलब्ध हो तो आप ले सकते हैं मित्रों। तो पंजाबी भाषा के लिए धीरज गाइड लेनी है, एक कोई भी कोचिंग संस्थान के कोई भी सर के कोई भी मैडम के जो पंजाबी भाषा का अनुभव रखते हैं उनके आप नोट्स ले सकते हैं। तो हमारी हमने बात की साइकोलॉजी पे, हमने बात की चार भाषाओं पर, चार भाषाओं में से कोई भी दो भाषा हमें चुननी है। तो अभी तक हमारा जो पोर्शन कवर होता है वो 90 अंक का होता है मित्रों। अब हम लास्ट में जो 60 अंक है, 60 क्वेश्चन है, वो सब्जेक्ट के आते हैं, सोशल साइंस के आते हैं, सामाजिक विज्ञान के आते हैं। और उस सोशल साइंस अथवा सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो एक तो मित्रों कक्षा 6 से 10 की सामाजिक की पुस्तकें आपको अवश्य पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है क्योंकि वहां वो बेसिक है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो कक्षा 6 से 10 की पुस्तकें किसकी, सामाजिक विज्ञान की। पर यहां यह ध्यान रखना है मित्रों कि हमें ये अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, हमें क्या है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है, तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए मित्रों। और अगर हमें सिलेबस पता है पहले से तो हम क्या है कि अच्छे से उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो कक्षा 6 से 10 की जो पुस्तकें हम ले रहे हैं उन पुस्तकों में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कि कक्षा 6 से 10 की पुस्तकें पढ़ते समय हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है कौन सा नहीं है। जो टॉपिक सिलेबस में है वही कक्षा 6 से 10 में पढ़े, अनावश्यक टॉपिक ना पढ़े। इसके साथ ही एसएसटी के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए मैं एक गाइड सजेस्ट करना चाहूंगा। उस गाइड में राइटरों की श्रृंखला में मैं भी इतिहास का पोर्शन मैंने खुद ने लिखा है, वो पुस्तक है सिकवाल पब्लिकेशन की, और उसमें मैटर काफी अच्छा दिया गया है मित्रों। क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूं इसलिए मैं उसके बारे में आपको एक अच्छाई और एक इसकी कमी बताता हूं। उसकी अच्छाई सबसे अच्छी तो यह है कि उसने मैटर बहुत ही अच्छा दिया गया, और उसमें कमी यह है कि मैटर के अलावा कुछ पोर्शन दिया गया है और लास्ट में जो प्रत्येक टॉपिक है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें नहीं दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप अलग से कुछ ले सकते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ सकते हैं एसएसटी के लिए। तो ये काम मित्रों आप कर सकते हैं। तो ये एसएसटी का कवर होता है। अब एसएसटी में 11वीं और 12वीं यूनिट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे होती है, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं इनके लिए आप चौहान पब्लिकेशन जिसके राइटर डॉक्टर एस मंगल है वो गाइड ले सकते हैं, शिक्षा शास्त्रीय व समाज शास्त्रीय मुद्दे। और इसके साथ में उसमें विधियां शिक्षण विधियां भी दी होती है, भाषाओं में शिक्षण विधियां आती है जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, इनकी भाषाओं के लिए भी चौहान पब्लिकेशन जिसके लेखक डॉक्टर एस मंगल है उनको आप पढ़ें। और अगर आप ये पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है मित्रों। और इस सामग्री को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पढ़कर हम टॉप कर सकते हैं एग्जाम को, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा मित्रों। अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा कि जो एसएसटी है उसको हमें एसएसटी की जो रीट के विद्यार्थी है उसको हम सिलेबस को कवर कैसे करें, साथ में ही लेवल फर्स्ट और मैथ साइंस की पुस्तकों की सूची का वीडियो भी हम शीघ्र ही हमारे इस चैनल पर देने वाले हैं मित्रों। तो वो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे।
और उस मैटर को हमें किस तरह से 3 महीने में कवर करना है और कवर करके हम सर्वोच्च रैंक के साथ, उच्च रैंक के साथ कैसे चयनित हो, इस पर भी हम बात करने वाले हैं मित्रों। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखेंगे। अभी आप इसमें पुस्तक सूची आप नोट कर सकते हैं और अगर आपको सही लगे तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अब तक का जो अनुभव है उसके अनुसार ये सामग्री रीट SST के विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम है। धन्यवाद मित्रों।